अंकल तो चाय लगाना। ठीक है। ये कार कौन सी है आपकी? क्या हुआ अंकल, फोटो खिंचवानी है क्या? अरे नहीं बेटा, वो मेरा बेटा न्यू कार लेने को कह रहा था, मुझे अच्छी लग रही है। कितने की है? आपका बेटा और नई कार? क्यों, क्या हुआ? क्या अच्छी नहीं है ये कार? ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो बढ़िया तो लगेगी ना, पैसे भी तो बढ़िया लगे हुए हैं। ओ क्या पता ये अंकल इसे रेंट पर लेने के लिए बोल रहे हो। अरे नहीं बेटा, मुझे खरीदनी है। देखो अंकल, या तो आप पागल हो या हम पागल हैं। आप जाकर कोई स्कूटर साइकिल देखिए जो आपकी औकात में हो। आई बढ़िया कार लेने वाले। अरे बेटा साइकिल तो है मेरे पास, उसी से आता जाता हूँ मैं, पर मैं तो अपने बेटे के लिए बात कर रहा हूँ। वाह, 5,000 की साइकिल चलाने वाला 50,00,000 की कार लेने की बात कर रहा है। अंकल ये जो आप 10-20 रुपए की चाय बेच रहे हो ना, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगे। आए नई कार लेने वाले। और हाँ, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अरे बेटा मैं तो अपनी चादर में ही हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं बतानी है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा अपने आप देख लेगा। देख बुड्ढे, बहुत देर हो गई तुझे पागल बनाते हुए। फटाफट चाय पकड़ा और ये पकड़ पैसे। ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता भी है कौन सी कार है? फॉर्च्यूनर कहते हैं इसे। अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसे नहीं ले पाते। और तू एक ठेले वाला इस कार को लेने की बात कर रहा है? पागल हो गया है क्या? बेटा मैंने कब बोला कि मैं खरीदूंगा? मेरा बेटा खरीदेगा ना। तो आपका बेटा के कोई अफसर है क्या? वो भी आपकी तरह इस रोड पर कोई ठेला लगाता होगा। भाई बड़े कार लेने वाले, लाओ चाय पकड़ाओ। वो मेरा बेटा तो क्या मस्त कार है यार वो। हाँ यार मस्त है। क्या कर रहे हैं? पता नहीं। पापा ये लो मिठाई खाओ, ये वाली गाड़ी ले ली मैंने। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो मिठाई खाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इससे पूछ ही रहा था कि ये गाड़ी कितने की है, इतने में तू ले ही आया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सागर। तो तुम दोनों यहाँ? सर बस वो चाय पीने के लिए आए थे। और सर ये आपके पापा हैं? हाँ ये मेरे पापा हैं। तुम्हें पता है मेरे पापा पिछले 30 साल से ही काम कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल में एडमिशन इसी काम से कराया, और मुझे कामयाब बनाने में सिर्फ इन्हीं का हाथ है। और आज सब कुछ होते हुए भी मैं बोलता हूँ कि पापा ये काम छोड़ दो, अरे ये नहीं मानते। बोलते हैं इस काम से मुझे खुशी मिलती है और उनकी खुशी में मुझे खुशी मिलती है। तुम लोग भी मिठाई खाओ ना। कांग्रेचुलेशंस सर। तुम लोग मुझे ऑफिस में मिलो। जी सर। और पापा आप चलो ना, आप अपनी गाड़ी में। हाँ बेटा आओ।